ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेवऑप्टिक्स के बारे में। इसमें सबसे पहले जो है स्पेशली जो वेवऑप्टिक्स वाला पार्ट है हमारा ऑप्टिक्स का, इसमें हम स्पेशली क्या करते हैं, इसमें हम वेव जो वेव वाले बिहेवियर है लाइट के उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पेशली लाइक इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह उन चीज़ों की बात करेंगे हम यहाँ पे। और सबसे पहले इसमें क्या है, वेव फ्रंट की बात जो हाइजेंस प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है। तो वेव फ्रंट जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, जो वेव अगर वेव ट्रेवल करती है तो वेव जो है ये बेसिकली होती है डिस्टरबेंस इन द मीडियम। ओके, या सिंपली इसमें क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो इसमें, सॉरी, एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो इसमें ट्रांसफर होता है इसी वेव में एक जगह से दूसरी जगह। और राइट, तो अगर हम बात करेंगे कि ये वेव जो ट्रेवल कैसे करती है, तो ये निकलती है एक सोर्स से जिसको हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ओके, तो फिर हम लेते हैं एक सरफेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा, एक लाइन ले लो या सरफेस ले लो या स्पेस ले लो, जिसमें क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स, मीडियम के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो वेव फ्रंट है इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, ये क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, इन सेम फेज। और राइट, सेम फेज का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे, 11th क्लास में आपने पढ़ी है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, तो उसमें आपने ये देखा ऑसिलेशन वेव्स में क्या, कि ये वेव जो ट्रांसफर करती है आगे, ये बेसिकली पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे। होता क्या है, पहले डिस्टरबेंस इसको मिलती है, इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये इधर जाएगा, इसको धक्का देगा, ये निकलेगा आगे, ये तब तक वापस आएगा, ये आगे निकल के इसको धक्का देगा, खुद वापस आ जाएगा, जब ये आगे निकलेगा ये वाला पार्टिकल पीछे आ जाएगा, और जब ये धक्का इसको देगा ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, ये इस साइड निकलेगा और ये वाला पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से वापस आ जाएगा। अब इसका साइकिल ऐसे प्लॉट करते हैं, जीरो से स्टार्ट किया मीन पोजिशन से, फिर गया एक साइड मैक्सिमम, फिर वहां से वापस आ रहा है जीरो पे मीन पोजिशन पे, फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है एक्सट्रीम पोजिशन तक, ठीक है, और फिर वापस आ रहा है अपने जीरो पोजिशन पे। ओके, तो इस तरह एक वेव जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आगे, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बट यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है कि मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ देखो पहला एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना के लिखूंगा मैं, ये एक पार्टिकल है हमें यहाँ, दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है यहाँ पे, चौथा है यहाँ पे, ओके, पांचवा भी बनाएंगे। जब इसको वाइब्रेशन मिलेगी ये आगे जाके इसको धक्का देगा, ये आगे जाके इसको धक्का देगा, जब ये आगे निकलेगा ये तब तक वापस पहुंच जाएगा जब तक ये इधर पहुंच गया। ओके, अब ये इसको धक्का देगा आगे की तरफ, ये वापस आ जाएगा तब तक जब तक ये इधर जाएगा, और तब तक ये पहला पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में और शूट करेगा। ओके, ये इसको धक्का देगा आगे की तरफ, तब तक ये वापस आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है ये दूसरे डायरेक्शन में निकलेगा और ये वापस आ जाएगा। ओके, अब ये धक्का इसके पास पहुंच गया, अब ये वाला पार्टिकल देख लो, ये वाला पार्टिकल आगे निकल रहा है, तब तक ये वाला पार्टिकल दोबारा से आगे निकलना शुरू करेगा। तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इनमें क्या है, इनमें सिमिलैरिटी है, ये भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ये जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 की तरफ, ऐसे गया ये 90 की तरफ, ये भी जाएगा 90 की तरफ, फिर ये वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा जीरो की तरफ मेन पोजिशन, फिर ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ये भी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये गया दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ये भी वापस आ जाएगा, ये भी वापस आएगा, ये आएगा वापस फिर से जीरो। तो जिस हिसाब से इसके एंगल्स चेंज हो रहे हैं उसी हिसाब से इसके एंगल्स चेंज हो रहे हैं, अगर ये 0 डिग्री पे 0, 90 पे 90, 45 45, 100 100, 180 180, जब इनका एंगल सेम होगा, ऑसिलेशन का एंगल, तो हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, सेम फेज में। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस, वो लोकस कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल प्लेन, सिलेंड्रिकल, कैसा भी होगा, तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो एक ही फेज में वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप्स की बात करेंगे उसमें एग्जाम्पल भी लेंगे, हमारे पास जो ये टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स है वो क्या है, पहला हम लेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या लेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ये बनता है कब, जब हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो होगा वो होगा पॉइंट सोर्स। क्या होगा, पॉइंट सोर्स।
पॉइंट सोर्स मतलब ऐसे मान लो एक छोटा सा बल्ब हमने रखा है जो ग्लो कर रहा है और हमें लाइट चारों डायरेक्शन सॉरी तीनों डायरेक्शन में दे रहा है, थ्री डायमेंशन में दे रहा है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो इससे लाइट निकल रही है, वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, आगे भी पीछे भी, थ्री डायमेंशन में हर जगह से जा रही है। तो अगर मैं यहां से एक मीटर दूर लूंगा ये पॉइंट, एक मीटर दूर, एक मीटर दूर, एक मीटर दूर, ये सारे इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये सारे एक ही फेज में क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इसके अराउंड जो लोकस बनेगा वो बनेगा एक स्फेयर, क्या बनेगा, स्फेयर। ऐसे वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कब बनता है, जब एक पॉइंट सोर्स होगा और पॉइंट सोर्स से वेव निकलती है थ्री डायमेंशन में, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अगर हम ये डिस्टेंस सबके लिए सेम रखेंगे, स्फेयर बन जाता है ऑफकोर्स, तो वो सारे पॉइंट जो है सेम फेज में ऑसिलेट करते होंगे, तो हम बोलते हैं कि ये बन गया है हमारे पास कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और राइट, तो इसका जो सोर्स होता है डिस्टर्बेंस जो होती है वो होती है यहाँ पे एट द सेंटर। तो ये है हमारे पास प्राइमरी सोर्स जहां से ये लाइट निकलती है, इट्स लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऑलराइट, ओके। सेकंड अगर हम देखेंगे हमारे पास दूसरा जो है वो है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है कि अगर हमारे पास सोर्स जो होगा वो होगा लीनियर सोर्स, क्या होगा, लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब एक रॉड जैसा है वो ग्लो कर रहा है, उससे लाइट निकल रही है, जैसे हमारे वो सेफल ट्यूब्स वगैरह थे रॉड जैसे। तो इससे लाइट जब निकलेगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आप देखोगे इससे 10 मीटर दूर, इस साइड में भी, इस साइड में भी, ये सारे पॉइंट्स, ओके, थ्री डायमेंशन में, ये ऐसे रॉड है मान लो, ओके, इसके इस साइड आगे वाले साइड, पीछे वाले साइड, अगर आप 10 मीटर दूरी पे इनका लोकस ट्रेस करोगे तो ये बनेगा एक सिलेंड्रिकल शेप जैसे बन जाएगी इधर। ऑलराइट, तो हम बोलते हैं कि एक लीनियर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बन जाता है वो बन जाता है कैसा, सिलिंड्रिकल। ऑलराइट, तो ये पॉइंट जो है इस वेव फ्रंट के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका टॉप टॉप सेक्शन दिखाएं दिया थोड़ा, इसमें कैसे ये वेव्स निकलेंगी, तो हमारे पास ये मान लो ये है हमारे पास सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ऑलराइट, तो क्या होगा कि ये जो वेव निकल रही है ये निकल रही है इन ऑल डायरेक्शन निकल रही है ऐसे। ऑलराइट, तो इनके ऊपर जो ये सारे पॉइंट्स होंगे थ्री डायमेंशन में, ये सारे ऑसिलेट करेंगे इन द सेम फेज, तो आप बोलते हैं ये कौन सा हो गया, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, तीसरा है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में होता क्या है, बेसिकली जो पॉइंट सोर्स होता है, सॉरी पॉइंट सोर्स होगा या कोई भी सोर्स होगा, वो होगा एट इनफिनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर रेज पड़ रही है, निकल रही है सेंटर से ऐसे। ऑलराइट, तो अगर हम इस स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा लेंगे तो ये ऑलमोस्ट प्लेन बन जाता है। तो इसके थ्रू जितने भी वेव्स पास हो रही है ये पर्टिकुलर प्लेस पे, ये सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो हम बोलते हैं कि ये बन गया है एक प्लेन वेव फ्रंट। ऑलराइट, लीनियर हो सकता है, पोर्शन ऑफ लीनियर पे सोर्स हो सकता है या पॉइंट सोर्स हो सकता है, मगर क्या, जब डिस्टेंस क्या होगी, व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, सोर्स इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, जब इसको हमने बहुत बड़ी डिस्टेंस पे रखा है, तब क्या होगा, तब जो सोर्स दिखता है वो वेव फ्रंट दिखता है, वो दिखता है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है कि नहीं, प्लेन वेव फ्रंट आपको ऐसे दिखेगा, और ये जो रेज आपको दिखेगी ये दिखेंगी आपको ऐसे। ऑलराइट, ये इसके थ्रू पास हो रही है, और हर कोई पार्टिकल इस मीडियम में इस प्लेन वेव फ्रंट पे क्या करता है, ऑसिलेट करता है इन सेम फेज। ऑलराइट, एंड इसके साथ और एक चीज याद रखो, ये जो हमारे पास वेव फ्रंट बन रहे हैं, अगर हम रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये जो रेज ऑफ लाइट होती है दे आर परपेंडिकुलर टू, ये जो रेज ऑफ लाइट होती है, रेज ऑफ लाइट जो है आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, टू द वेव फ्रंट के ऊपर क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ऑलराइट, अगर ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, प्लेन बनाएंगे हम, ओके, तो वेव जो होगी, रे जो होगी, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी यहाँ पे इसके साथ। ऑलराइट, ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। नहीं, वेव फ्रंट के साथ हम पढ़ते हैं क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल, बेसिकली ये उसी ने बताया था कि ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, ये उसी ने बताया था कि जो लाइट है ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कैसे ट्रेवल करती है, उसने कहा इन द फॉर्म ऑफ दिस वेव फ्रंट्स, और यही वेव फ्रंट से एक्सप्लेन कर लिया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो पहले हम देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल जो है, इसके दो
दो assumptions है। पहला assumption ये है कि जितने भी हमारे पास प्राइमरी वेव सोर्सेज है, प्राइमरी वेव फ्रंट्स है, मतलब पहले सोर्स से जो वेव पहली निकली दैट प्राइमरी वेव, तो प्राइमरी वेव फ्रंट जितने भी होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, ओके, और वो उसी हर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से ओरिजिनल वेव ट्रेवल करती है। तो अगर हम देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि हमारे पास पहला इसके assumptions है, postulates जो है इसके दो postulates है, एक है कि every primary wave front, primary wave front acts as a source of secondary disturbance or wavelets which travel in all directions with the same velocity as the primary wavefront. जिस वेलोसिटी के साथ प्राइमरी वेव फ्रंट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ प्राइमरी वेव फ्रंट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ जो है ये सेकेंडरी वेवलेट जो बनते हैं ये भी उसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, इससे मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ, इससे वेव निकल रही है, वेव फ्रंट निकल रहा है स्फेरिकल ऑफ कोर्स, मैंने एक साइड बता दिया, तो ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट ये है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या है प्राइमरी वेव फ्रंट, ऑलराइट। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स है वो एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टरबेंस जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे इसने अपनी एक वेव बनाई थी अपने अराउंड स्फेरिकल डायमेंशन में, स्फेरिकल थ्री डायमेंशन में, तो इसी तरह ये पॉइंट्स भी अपनी अपनी एक वेव जनरेट करते हैं थ्री डायमेंशन में जो हर किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जस्ट लाइक जो हमारे पास ये प्राइमरी वेव जैसे ट्रेवल कर रही थी, ऑलराइट। तो सेंटर में बनाएंगे इनका ये, तो इस तरह ये सारे जो है अपने वेवलेट प्रोड्यूस करते हैं हर कोई पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, तो ये जो है हमारे पास इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ओके। तो ये है पहला assumption, और जो जिस स्पीड से ये यहां से निकल रही है वही स्पीड से ये जो यहां से निकल रही थी वेव उसी स्पीड से यहां से जो है वेव निकल रही है इन ऑल डायरेक्शन। और सेकेंड इसके बाद से बोला कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने देखना है कि ये वेव फ्रंट जो बन रहा है, ये देखो ये है एक बन रहा है हमारे पास प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव बनाती है प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट करती है एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर आपने देखना है इसके बाद कि अब ये नया वेव फ्रंट, पहले ये वेव फ्रंट यहां पे था, अब ये नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं वी ड्रॉ टेंजेंट टू द वेव फ्रंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, इन वेव फ्रंट्स के ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हर किसी उनको ज्वाइन करते हैं, तो जो वो टेंजेंट इनके ऊपर ड्रॉ करके ज्वाइन होगा वही टेंजेंट एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके। तो सेकेंड assumption है इसका क्या, किसी भी इंटरवल पे आफ्टर गिवन टाइम इंटरवल, आफ्टर गिवन टाइम इंटरवल द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी, नॉट अ वेवलेट नहीं है, वेव फ्रंट है, अब वेव फ्रंट इज गिवन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर क्या करते हैं हम, सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑलराइट।
क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन वाले जो है उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो कैंसल आउट होते हैं जो पीछे से कंटिन्यूस वेव्स आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे सबके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट 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 टेंजेंट। तो ये जो लाइन बन गई यहाँ पे, ये है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या सेकेंडरी, आप पीछे से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मगर ये पीछे वाला टेंजेंट जो है इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसा है कि ये वेव यहाँ से वापस आ रही है, मगर जो फॉरवर्ड वेव होती है ये ऐसा समझ लो कि ये इसको आगे आने नहीं देती है। ऑलराइट, तो जो ये फ्रंट आगे वाला है, फॉरवर्ड वेव फ्रंट जो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम टेंजेंट डालेंगे इनके ऊपर, इन वेव फ्रंट्स के ऊपर, वेवलेट्स के ऊपर, तो वो बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, अब सेकेंडरी बन गया, अब इसके ऊपर पॉइंट्स है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, लेंगे तीन पॉइंट, ये बनेंगे सोर्सेस फॉर न्यू डिस्टर्बेंसेस। तो ये अपने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, ये अपने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, ये अपने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर और एक टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, तो ये वेव बन जाएगी आगे। इसी तरह ये वेव जो है थ्री डायमेंशन में बाहर की तरफ फैल जाती है। ऑलराइट, सो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर द सेकेंडरी वेव वेवलेट्स। ऑलराइट, जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, बट एंड विद सेम वेलोसिटी एज द प्राइमरी वेव फ्रंट। और सेकंड क्या है कि अगर हमने किसी भी पॉइंट पे देखना है सेकेंडरी वेव फ्रंट, या जो ये वेव फ्रंट जो था ये पहुंच कहां गया, तो उसकी पोजीशन हम कैसे बनाते हैं, इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो हमें देता है क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट विल बी द सोर्स फॉर टर्शियरी वेवलेट्स, और टर्शियरी वेवलेट्स विल बी द सोर्स फॉर द क्वार्टरनरी जो है हमारे पास टर्शियरी क्वार्टरनरी वेव फ्रंट। इसी तरह ये वेव जो है आगे आगे चल के जाती है इन थ्री डायमेंशन में। ऑलराइट, अच्छा, ये जो बैकवर्ड्स वेव फ्रंट जो होता है इसको इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये जैसे बैकवर्ड्स में एक आंसर हो जाता है, क्योंकि पीछे से वेव फ्रंट्स आते रहते हैं, तो आगे डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्बेंस आगे मूव करती है, पीछे वाले जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, डिनेचुरलाइज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल के दो एजम्पशंस। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इसी बेस पे कि आप क्या कहते हैं इसको, ये हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लो और ये बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, वो आप प्रूव कर लो कि वो प्रूव कर लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, और ये प्रूव कर लो कि जो सेकंड जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज सिनर्ज लॉ वगैरह वो जो है वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आज के लिए देखेंगे कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो हाइजेंस प्रिंसिपल से हम प्रूव करेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, इसको हटाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। तो रिमेंबर वन थिंग, जब आपने ये थ्री डायमेंशन में दिखाने वेव फ्रंट, आप कैसे दिखाते हो, सीधा ऐसे वेव फ्रंट और ये दिखाते हो इसको सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए, ये है हमारे पास रेज ऑफ लाइट और ये जो है हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट, क्योंकि अब हम बार बार स्क्वायर या सर्कल नहीं बनाएंगे। ओके, ऐसे इजी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, हम हाइजेंस प्रिंसिपल से करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल कैसे होंगे। ओके, मान लो हमारे पास एक मिरर है। ओके, ये मान लो हमने लिया एक मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से ये रेज ऑफ लाइट या वेव फ्रंट पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। ऑलराइट, तो मान लो हमारे पास वेव फ्रंट जो आ रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, वो हम ऐसे बनाएंगे ए बी, ये प्लेन वेव फ्रंट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आपको ये शीट जैसा दिखेगा, शीट को साइड में देखोगे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, अदरवाइज इट्स अ शीट। ऑलराइट, तो हम दो रेज देंगे यहाँ पे, दो रेज से डिनोट करेंगे इसको, ये है हमारे पास एक रेज के ऊपर, सॉरी ये टेढ़ी बन गई है, तो इसके ऊपर दो रेज ड्रॉ करेंगे हम, एक है हमारे पास ये रे और दूसरी रे है ऐसे। ऑलराइट, तो रेज जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं किसके ऊपर, ऑन द वेव फ्रंट। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास, तो ये जो एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, अब ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे मान लो जैसे आपने एक स्टिक लाई है, ये स्टिक जब आ रही है पहले ये वाला एंड इसको टच कर रहा है। ओके, ये वाला एंड टच कर रहा है, ये वाला भी टच नहीं कर रहा, तो ये वाला एंड ऐसे चलेगा, ये नीचे वाला रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, और ये ऐसे निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे चल के
ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ पे ऑलराइट। और तब तक ये दूसरा वाला जो है ये क्या करेगा, ये आगे निकल जाएगा ओके। तो ये आगे निकल के फाइनली जो हमारे पास ये जो है ये ऐसे निकल जाएगा आगे। तो हमारे पास जो फाइनल वेव फ्रंट है वो बनेगा कैसा, थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना दें ओके। तो इस तरह ये सेकेंडरी जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट निकलेगा ऐसे। इसका माना मान लो ये है ए डैश, सॉरी दिस इज बी डैश, बी इधर था तो ये बी डैश है और ये हमारे पास क्या है ए डैश है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे नॉर्मल डालो, यहाँ पे नॉर्मल डालो, ये जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे ओके, क्योंकि इनके एंगल जो है हमें जरूरत है इसकी ओके। तो ये है हमारे पास, इस तरह बन जाएगी इसकी जो है हमारे पास डायग्राम ऑलराइट। देखो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक है, ये जो है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, ध्यान से देखिएगा ये एंगल है आई, वेव रे और वेव फ्रंट 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये वाला एंगल जो बनेगा 90 माइनस आई बनेगा ओके, ठीक है कि नहीं। बट ध्यान से देखिए ये वाला एंगल 90 माइनस आई बनेगा। अब ये और ये भी इन परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो एंगल बचा नीचे ये बनेगा 90 माइनस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज ये वाला वैल्यू बनेगा 90 माइनस दिस वैल्यू, और ये कितना है इट इज 90 माइनस आई, इट इज 90 माइनस माइनस बनेगा प्लस आई, तो ये भी बन जाएगा किसके बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ऑलराइट। इसी तरह सेम लॉजिक के हिसाब से हम कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये क्या है हमारे पास। लेट से ये जो आई है ये है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलराइट, और आर जो है ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इट। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे अगर हम ट्रायंगल जो है हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है यहां पे, एक बन रही है ए बी बी डैश और बन रही है ए ए डैश बी डैश बन रही है, दो ट्रायंगल्स बन रही है। इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि ये सिमिलैरिटी है कुछ कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। पहली सिमिलैरिटी ये देखो, हमने अभी बोला कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट हो या सेकेंडरी वेव फ्रंट है इक्वल स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो जब ये वाला साइड इधर टच करेगा, ये अभी इधर में है इधर पे है, अगर मान लो t सेकंड में है, मान लो t सेकंड में इसकी स्पीड, लेट से हमारे पास क्या है लेट v जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट ओके इन द मीडियम, इन द गिवन मीडियम जो हमने मीडियम लिया है ऑलराइट ओके। तो और लेट से t जो है दैट इज टाइम टेकन By the wave front to reflect, मतलब reflection में कितना time लगेगा इसको, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये b b dash distance जो है, distance होती है speed into time, speed कितनी है इसकी v, और यहां से यहां लगेगा इसको time t, तो b b dash जो है ये आएगा v into, इसी तरह अगर हम देखेंगे a a dash similarly and a a dash, क्योंकि इनकी speed ये प्राइमरी था यहाँ पे वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, प्राइमरी और सेकेंडरी की स्पीड सेम होती है, टाइम भी हमने सेम लिया, तो ये सेम मीडियम में भी चल रहे हैं तो इनकी स्पीड भी सेम होगी, तो इसीलिए ए ए डैश जो है ए बी किसके बराबर होगा, वी टी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया, बी बी डैश का वैल्यू भी उसी के बराबर आ गया और ए ए डैश का वैल्यू जो है वो भी किसके बराबर आ गया, सेम वैल्यू आ गया। अब हम देखेंगे हमारे पास जो है ट्राइंगल्स क्या है, दो ट्राइंगल से या तो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो, क्या कर लो, या इनका साइड एंगल ले लो। अगर हम यहां पे देखेंगे इस ट्राइंगल में साइन ऑफ आई, ये मान लो बेस, ये मान लो परपेंडिकुलर, ये मान लो हाइपोटेन्यूज ऑलराइट, तो साइन ऑफ आई जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ओके। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी बी डैश ए बी बी डैश, इसमें हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ आई जो है वो आएगा परपेंडिकुलर दैट इज बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी डैश ओके।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी बी डैश का वैल्यू है इट्स वी इंटू टी अपॉन ए, बी डैश आ गया हमारे पास साइन ऑफ आई, ए आ गया हमारे पास ए। अब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश ए बी, या ए ट्राइंगल का नाम है ए ए डैश बी डैश, ए ए डैश बी डैश, ए वाला ट्राइंगल, इसमें ये एंगल है तो ये आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस और ये आएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आर परपेंडिकुलर दैट इज ए ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी डैश, ओके। बट ए ए डैश जो है ये किसके बराबर है, इट्स वी टी अपॉन ए बी डैश, ओके। साइन ऑफ आर है ये, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकेंड मान लो, बस हो गया हमारे पास ये प्रूफ। कैसे, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर जो है ये क्या आएंगे, क्योंकि इनके आर एल एच एस इक्वल, आर एच एस इक्वल है तो आर एल एच एस भी क्या, सॉरी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होंगे, गॉड दीज आर आर एच एस इसका और आर एच एस इसका इक्वल है तो इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे, तो वो भी इंप्लाइज, अगर हम लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो आई का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ये जो है हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। इसके अलावा हमने क्या करना है, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने बताना है कि कैसे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, जो हमारे पास तीन चीजें है हमारे पास, ठीक है, देखो क्या, ये है हमारे पास प्लेन ऑफ द पेपर, ओके, मिरर मैंने रख लिया इधर, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ, अगर हम प्रूव करेंगे सेकंड लॉ, यस फर्स्ट लॉ बोलो इसको, सेकंड लॉ, एक ये जो एक्स वाई मिरर है, एक्स वाई है मिरर, ए बी जो है, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश जो है ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड, ये सारे प्लेन है, वेव फ्रंट जो है ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये आपके पास तीन है, एक है ऐसा, दूसरा है ऐसा, तीसरा है ऐसा, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, सारे इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे जो आएगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी वेव फ्रंट, तो वो लाई करेगी इसी प्लेन में, क्योंकि अगर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है तो रे जो आएगी वो ऑब्वियसली इस प्लेन में आ जाएगी, बिकॉज वो रे इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो एक इंसिडेंट रे आ गई इस प्लेन में। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी होती है इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, और ये वेव फ्रंट उल्टा इसके परपेंडिकुलर है तो वो भी इसी प्लेन में लाई करेगी। तीसरा मिरर, मिरर भी इसके परपेंडिकुलर है, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वो भी लाई करेगा इसी प्लेन में। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे जो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मली एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, कैसे, सिंस, तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, सेकंड लॉ अगर हम प्रूव करेंगे यहां पे, सेकंड लॉ वो ये है कि सिंस द मिरर दैट इज एक्स वाई कॉमा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट दैट इज ए बी एंड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दैट इज ए डैश बी डैश आर ऑल परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड जो है यहां पे हमारे पास, एंड और क्या है, एंड रेज ऑफ लाइट एंड नॉर्मल जो होता है नॉर्मल आर परपेंडिक्यूलर टू द रेस्पेक्टिव वेव फ्रंट्स एंड मिरर, रेस्पेक्टिव वेव फ्रंट्स एंड द मिरर, एंड द मिरर, देयरफोर
दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब कहने का ये है कि मिरर एक्स वाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, है तीनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जो हमारे पास क्या है प्लेन एंड रेज ऑफ लाइट, जो रेज ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होते हैं इंसिडेंट रे रेस्पेक्टिव अपने इंसिडेंट वेव फ्रंट पे, रिफ्लेक्टेड रे अपने रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे और नॉर्मल अपने रेस्पेक्टिव प्लेन दैट इज मिरर पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल जो है ये लाई करते हैं सेम प्लेन में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रूव कर लिया है कि विद हेल्प ऑफ हाइजेंस लॉ कि हाइजेंस प्रिंसिपल से हमने प्रूव कर लिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें।